श्रीमद्भागवत की पूजन विधि तथा विनियोग न्यास एवं ध्यान। प्रातःकाल स्नान के पश्चात अपना नित्य नियम समाप्त करके पहले भगवत संबंधी स्रोतों एवं पदों के द्वारा मंगलाचरण और वंदना करें। इसके बाद आचमन और प्राणायाम करें। प्राणायाम करके ओम भद्रम कर्णे भी श्रुणियाम देवा भद्रम पश्ये माच्छभिर् यज्जत्राः स्थिरैर् रंगैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिः अर्वसेम देवहितं यदायुः। इसका अर्थ है, देवताओं हमें अपने कानों से ऐसे ही वचन सुनने को मिलें जो परिणाम में कल्याणकारी हो। हम यज्ञ कर्म में समर्थ होकर अपनी इन आँखों से सदा शुभ ही शुभ देखें, अशुभ का कभी दर्शन ना हो। हमारा शरीर और उसके अवयव स्थिर हों, पुष्ट हों और उनमें परमात्मा की स्तुति भगवान की सेवा करते हुए हम ऐसी आयु का उपभोग करें, ऐसा जीवन बिताएं जो देवताओं के लिए हितकर हो, जिसका देवकार में उपभोग हो सके। इत्यादि मंत्रों से शांति पाठ करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण, श्री व्यास जी, सुखदेव जी तथा श्रीमद्भागवत ग्रंथ की होठसोपचार से पूजा करनी चाहिए। यहाँ श्रीमद्भागवत पुस्तक के होठसोपचार पूजन की मंत्र सहित विधि दी जा रही है। इसी के अनुसार श्री कृष्ण आदि की भी पूजा करनी चाहिए। निम्नांकित वाक्य पढ़कर पूजन के लिए संकल्प करना चाहिए। संकल्प के समय दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में उसकी पवित्री पहने और हाथ में जल लिए रहें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, ओम तत्सत, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः, ओम अद्वैतस्य ब्रह्माणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतरगर्ते पुण्यस्थाने कलियुगे कलि प्रथम चरणे अकुम संवत्सरे अकुम मासे अकुम पच्छे अकुम योग वारांस कलग्न मुहूर्त करणाविन्तायां शुभ पुण्यतिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य वा मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्री गोवर्धन धरण चरणार बिंद प्रसादात सर्व समृद्धि प्राप्त्यर्थम भगवदन अग्रह पूर्वक भगवदीय प्रेमोपलब्धे च श्रीमद्भागवत भगवन्नात्मक भगवत स्वरूप श्री भागवतस्य पाठे अधिकार सिद्ध्यर्थम श्रीमद्भागवतस्य प्रतिष्ठां पूजनम चाहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करें। ततस्तु मित्रावरुणा तदग्ने संयो अस्म अभ्यमि दमस्तु सस्तम असीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे गृहते साधनाय। यह मंत्र पढ़कर श्रीमद्भागवत की सिंहासन या अन्य किसी आसन पर स्थापना करें। तत्पश्चात पूर्व सूक्त के एक एक मंत्र द्वारा क्रमशः खोडसो उपचार अर्पण करते हुए पूजन करें। दूसरे श्लोक का अर्थ है, परमात्मन आप सबके मित्र हैं, हितकारी होने के कारण मित्र नाम से पुकारे जाते हैं। सबसे वर श्रेष्ठ होने से आप वरुण हैं, सबको ग्रहण करने वाले होने के कारण अग्नि हैं। हम आपको इन मित्र वरुण एवं अग्नि नामों से संबोधित करके प्रार्थना करते हैं कि यह सूक्त आपके सुयश से पूर्ण यह श्रीमद्भागवत रूप सुंदर उक्ति अत्यंत प्रशस्त हो, सर्वोत्तम होने के साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार हो तथा यह सूक्त हम लोगों के लिए ऐसा सुख ऐसी शांति प्रदान करे जिसमें दुख या अशांति का मेल ना हो, अर्थात इससे नित्य सुख नित्य शांति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थिति
हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा, इसे इस सूक्त के द्वारा हम प्राप्त कर सकें। देव देव, यह जो आपका अत्यंत प्रकाशमान परम महान समस्त लोकों का आश्रयभूत सूर्य नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते हैं।